हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गोलू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कबूतर बाजी विद गोलू भाई। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि होममेड किचनिंग कैसे बनाए। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ दोस्तों होममेड किचनिंग कैसे बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप ये इसकी पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये प्लास्टिक की है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है। दोस्तों, ये स्केच पेन से बना के इसको यहाँ से कट करके दोस्तों कबूतर के फर में डालना पड़ता है इसको। ये तो आपने देखा है दोस्तों। दोस्तों, और मैंने कुछ बनाया हो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये लोहे की पिचर रिंग है दोस्तों, ये मैंने हाथ से बनाया, देख सकते हैं दोस्तों आप अच्छे से। दोस्तों, ये लोहे के तार से मैंने दोस्तों बनाया हो, और दोस्तों कैसी बनाया हो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये है लोहे वाले। दोस्तों, ये पीतल की पिचर रिंग है, ये भी दोस्तों पीतल की चूड़ी से बनी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों कुछ पिचर रिंग दोस्तों इस प्रकार की भी आती है पीतल की। दोस्तों, मैं ये साइज में आपको बना के बताऊंगा कैसी बनाती है। दोस्तों, और कुछ ये साइज की भी आती है, ये स्टील के दोस्तों, ये वाले देख सकते हैं आप, इसके ऊपर डिजाइन है। ये दोस्तों रेडीमेड मिलते हैं, और दोस्तों ये इस प्रकार की भी आती है, और दोस्तों इस प्रकार की भी आती है प्लास्टिक की। दोस्तों, मेरा टूट चुका है, इस प्रकार की भी आती है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी सारी पिजन रिंग है दोस्तों। अब मैं आपको इस प्रकार के बना के बताऊंगा। ये दोस्तों देखिए, आप इसका साइज और इसका साइज देख सकते हैं दोस्तों। आप जब कबूतर के बारे में इसको डालेंगे दोस्तों, तो आप देखना कबूतर कितना सुंदर दिखता है दोस्तों इससे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐसी घर के अंदर ऐसी जर्मन की चूड़ियाँ रहती है दोस्तों, जर्मन की चूड़ी, पीतल की चूड़ी, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ रहती है दोस्तों, तो आप ऐसे ले लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, जर्मन की चूड़ी, इसको किसी तरीके से मोड़ लो तो मुड़ जाती है दोस्तों। ये देखिए, अगर दोस्तों ऐसी मुड़ी भी रही तो चलता दोस्तों। और दोस्तों, एक प्लायर की जरूरत पड़ेगी आपको, ऐसा रहा तो भी चलता, और दोस्तों अगर ऐसा रहा तो भी चलता, ये दोनों भी प्लायर आपको चलते हैं, आपके पास जो है वो उससे काम करिए दोस्तों। और दोस्त कबूतर के लिए दोस्तों आपको ऐसा चाहिए, ये साइज साइज का है कबूतर के पंजे का। ये दोस्तों देखिए, ऐसी जिसमें बराबर फ्री जाने को ना, ये दोस्तों कबूतर का पैर के अंदर घुसने के लिए ये साइज़ का चाहिए, ये साइज़ की चीज़ चाहिए। ये लोहे का है दोस्तों, देख सकते हैं आप। दोस्तों, मैंने क्या करा, ये घुंघरू है दोस्तों, ये ओरिजिनल साइज़ का घुंघरू है दोस्तों। जब बनता है दोस्तों, तो ये साइज़ का बन के आता है, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये कितना फ्री जा रहा है इसमें। और आप ये कबूतर के पैर में डालेंगे दोस्तों, तो ना ही ज़्यादा टाइट आएगा, ना ही ज़्यादा ढीला आएगा। तो मैंने यही साइज़ का बनाया दोस्तों, ये साइज़ का लिया, देख सकते हैं आप, ये इसमें फ्री जा रहा दोस्तों, और कबूतर का पैर भी दोस्तों इसमें ऐसे ही रहता, उस हिसाब से मैंने ये बनाया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एकदम फ्री है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बनाना कैसे। दोस्तों, सबसे पहले आपको चूड़ी लेना है, चूड़ी को दोस्तों कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों इसको ऐसा फैलाना है, फैलाने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं दोस्तों मैंने कैसे पकड़ा हूँ। पकड़ने के बाद दोस्तों इसको ऐसी एक मोड़ना है दोस्तों, ये की ऐसी मोड़ना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पहला राउंड हो चुका है, अब इसको पकड़ना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे रखना है आपको दोस्तों, इसके अंदर छेद है दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ पकड़ लेता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये ऐसा मैंने इसके अंदर घुसाया, इसको ऐसे पकड़ लिया यहाँ पे पहला राउंड। अब देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से, जो कि देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से जर्मन की चूड़ी इसके अंदर राउंड खा रही है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से दोस्तों ये इसके अंदर राउंड खा रही है। अब दोस्तों, अब ये जो भाग है ये वाला, अब ये भाग को आपको ऐसा दबाना है, और दोस्तों आपको इसको ये देखो, ये गैप दिख रही है, आप गैप दिख रही है, इसको ऐसे पैक करना है। देखिए दोस्तों, ज़रा सी भी गैप नहीं है। अब दोस्तों, जैसे जैसे आपको गैप दिख रही है, आप उसको ऐसे ऐसे करते रहिए। अब दोस्तों, ये कितने राउंड हो कुछ हो चुका है, देखिए दोस्तों, एक दो तीन, अभी तीन आ गए दोस्तों आपके ऊपर है। अगर आपको तीन राउंड चाहिए, चार राउंड चाहिए,
या दो राउंड चाहिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से बना सकते। मैं दोस्तों आपको तीन राउंड वाला बना के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपने हाथा खिला लिए, आप दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे कट है, यहाँ मैंने कट करा है दोस्तों, और यहाँ पे पूरे तीन राउंड आ चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों घुंघरू का साइज और इसका साइज। ये दोस्तों मैंने आपको सैंपल के लिए बताया हूँ। अब दोस्तों आपको ये लाइन में कट करना है। देखिए दोस्तों, एक ये निशान दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैंने पहले लिया था, इसको थोड़ा सा उठाना है आपको और प्लायर की मदद से इसको ऐसा काट देना है दोस्तों। देख सकते हैं आप। अब दोस्तों इसको यहाँ पे दबा देना है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी आसानी से दोस्तों पिज्जा रिंग बन चुकी है। और दोस्तों इसका साइज भी देखिए अंदर से कितना परफेक्ट बना है एकदम, और कितनी आसानी से दोस्तों कितनी अच्छी सुंदर पिज्जा रिंग बन चुकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ये है दोस्तों और एक ये है दोस्तों। जब मैं इसको मोड़ रहा था दोस्तों, इसके अंदर राउंड कर रहा था इसको, तो दोस्तों इसका जो ऊपर का पेंट था दोस्तों, पेंट निकल चुका है। देख सकते हैं आप, इसका पेंट निकल चुका है दोस्तों। देखिए आप, देखिए दोस्तों पेंट इसका निकल चुका है। मगर दोस्तों ये पेंट से कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब ये निकल जाएगा दोस्तों पूरा पेंट अगर, तो दोस्तों इसके ऐसा पूरा चमकेगा एकदम झलझल। देखिए दोस्तों, इसका अगर पेंट निकल भी गया तो दोस्तों टेंशन मत लेना, ये दोस्तों और अच्छा और सुंदर दिखेगा दोस्तों। मैं इसको आप कबूतर के पैर में आपको डाल के दिखा था दोस्तों, कितनी आसानी से दोस्तों ये कबूतर के पैर में जाती, अटकेगी भी नहीं। भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हो पिंजर रिंग बन के तैयार है। अब मैं इसको कबूतर के पैर में डालूँगा। देख सकते हैं कबूतर मेरा, सिकरा कबूतर है मकुआ आपने। ये कबूतर की वीडियो दोस्तों मैंने बनाया हूँ, वो भी आप देख लें दोस्तों। तो इसके पैर में दोस्तों मैं ये पिज्जा रिंग डालने वाला हूँ होममेड। अब दोस्तों देखो कैसे डालता हूँ उसके पैर में। अगर आपके साथ कोई हो तो आपको बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आपको इस हिसाब से कबूतर पकड़ के आराम 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 डालना है। देखिए इतना पकड़ लिए, फिर यहाँ पे पकड़ना है आपको। देखिए यहाँ पे पकड़ने के बाद एक हाथ से इसको पकड़ना है। देखिए इसको ऐसा पकड़ के आराम से इसको पहना देना है। देखिए ये चली गई। अब दूसरी भी इसको ऐसी पकड़ना है ये साइड से, ये देखना इसको ऐसी पकड़ना है। ये देखिए दो उंगली दिख रही, इसको ऐसी पकड़ के इसको ऐसी रखना है बस। इसको बस आराम आराम डालना है, इतना गई इसको ऐसी दबाए और आपकी पिज्जा रिंग आपके कबूतर के पैर में चली गई। अब देख सकते हैं आप कबूतर के पैर में कितनी अच्छी दिख रही चूड़ी। अब मैं इसको छोड़ के बता दूँ, देख सकते हैं दोस्तों आप कबूतर के पैर में कितनी अच्छी दिख रही है पिज्जा रिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।